सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। मोहन विजय अनिल पार्टनर हैं और बैलेंस दे रखे हैं कि कैपिटल के 30,000, 25,000 और 23,000 रिस्पेक्टिवली। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है। अराइविंग एट दीज फिगर, प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे को ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 24,000, जो कहते हैं ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो प्रपोर्शन में जो वो प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं। प्रपोर्शन हमारे को गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल। और जो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है तो क्रेडिट करने के बाद ही ये कैपिटल आई है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि एडजस्टमेंट हो चुकी है प्रॉफिट की। लिखा है दियर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कहता है कितनी है ये, 5,000, 4,000 और 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। सब्सिक्वेंटली कहता है फॉलो ओमिशंस, कुछ ओमिशन हो चुके हैं, कुछ चीजें हम भूल चुके हैं जो नोटिस की गई हैं, और अब ये डिसाइड किया गया है कि इनको करेक्ट किया जा सके और इनको अकाउंट के अंदर डील किया जाए। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 10% पर एनम जो देना था, जो देना भूल गए। लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मोहन ने कितना किया था, 4,000, 5,000, और विजय ने 4,000 और अनिल ने 3,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारे को गिवन है, अगर नहीं होता तो हम निकाल लेते, लेकिन इंटरेस्ट की जो रेट है वो गिवन नहीं थी तो हम निकाल नहीं पाते। तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैप ड्रॉइंग निकला हुआ दिया हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, मेक नेसेसरी करेक्शन एंट्री डाल के दिखाओ, जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, और जो आपने काम करना है वो प्रॉपर तरीके से क्लियरली करना है, ठीक है। तो हमारे को ये हम ईयर मान लेते हैं पूरा साल, ठीक है, ये लगा देती हैं 1 अप्रैल, ठीक है, और ये 31 मार्च, ठीक है। हमारे को कौन कौन से पार्टनर हैं, मोहन है, विजय है, अनिल है, तीन पार्टनर हैं, ठीक है। और इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 30,000, 25,000 और ये 20,000, ठीक है। लिखा है 24,000 जो प्रॉफिट था वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, शेयर कर लिया आपने, तो कितना प्रॉफिट था, 24,000, और आपने शेयर की रेशियो नहीं दिया तो क्या मान लेंगे, इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो 1/3, तो कितना हो जाएगा, 8,000 हर पार्टनर को आपने दिए होंगे, और ये उनके प्रॉफिट के अंदर ऐड, कैपिटल के अंदर ऐड होंगे, तो ऐड क्या है इसके अंदर, 8,000 ऐड है हर पार्टनर की कैपिटल के अंदर, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, और ये पार्ट क्या है, प्रॉफिट है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन ड्रॉइंग की हुई है, ड्रॉइंग भी इन्होंने निकाली हुई है, कितनी निकाली हुई है, इसने निकाल ली है 5,000, सेकंड ने निकाल ली है 4,000 और थर्ड ने कितने निकाल लिए हैं, 3,000। तो ये निकालने के बाद इनकी जो कैपिटल है क्लोजिंग ये आई हुई है, ठीक है ना। अब हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, 30 में से 8 क्या है प्रॉफिट है, ये तो माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 22, 22 में क्या करोगे, 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 27, तो 27,000 हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी फर्स्ट केस में। सेकंड केस के अंदर 25,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, 8,000 आपका प्रॉफिट था, तो 17 और 4 प्लस करोगे ड्रॉइंग के जो आप निकाल चुके हो तो कितना आ जाएगा, 21,000, ठीक है। और थर्ड केस के अंदर देखते हैं, 20,000 में से 8,000 का तो प्रॉफिट है, तो कैपिटल कितनी बन गई आपकी, 12, 12 और 3 15, तो ये 15,000 आपकी कैपिटल है। कितना इंटरेस्ट लगाना है, 10%, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, प्रॉफिट को वापस ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना है ना लो, क्योंकि मेन चीज यहां पर क्या है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाना है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है, प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगे तो इससे आपके क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो किससे लेंगे ये, हम मोहन से लेंगे, और किससे लेंगे ये, विजय से लेंगे, और किससे लेंगे ये, अनिल से लेंगे। मोहन से कितना लेंगे हम, कितना प्रॉफिट दिया था उसको, 8,000, विजय कितना दिया था, 8,000, अनिल को कितना दिया था, 8,000, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना आ जाएगा, 24,000। क्वेश्चन क्या कहता है आगे, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो,
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी प्रोवाइड की आपने? 10%, तो कितना हो जाएगा ये? 2700, ये कितना आ जाएगा? 2100, ये कितना आ जाएगा? 1500, तो मेरे पास कितना आएगा? 2700 प्लस 2100, 2700 प्लस 2100, ठीक है, प्लस क्या करोगे? 1500, तो मेरे पास आएगा 6300, ठीक है। अब और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, तो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, कितना चार्ज करोगे? 250 फर्स्ट से, और 200 सेकंड से, और 150 थर्ड से, ठीक है। तो 250 प्लस 200 प्लस 150, तो मेरे पास आएगा ये 600, आपके प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आप टोटल देखते हैं इनका करके, ठीक है, ये टोटल देखते हैं करके, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना बन गया? ये 24, और ये क्या बन गया? 600, और ये कितना बन गया आपका? 6300, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास प्रॉफिट ज्यादा बचता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में? पार्टनर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस प्रॉफिट के पार्ट को जो बचा हुआ है। तो 24,000 हमारे पास प्रॉफिट था, 24,600, इसमें से 6,300 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो बाकी कितना बचा है हमारे पास? 18,300। और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने? इक्वल रेशियो में, तो डिवाइड करो इसको, 18,300 को अगर आप डिवाइड करते हो किसमें? 3 रेशो में, ठीक है, डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है, इक्वल रेशो में, तो कितना आ जाएगा? 18,300 था, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6100, ठीक है, ये आएगा हर पार्ट के अंदर। और ये क्या करोगे? हर पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रोपोर्शन रेशियो 1:1, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता, तो 18,300 था, ठीक है। तो ये उनके अकाउंट में डालोगे तो कितना आएगा? 6100 यहाँ आ जाएगा, 6100 यहाँ आ जाएगा, और 6100 कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये लाइन बीच में लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल कर दो अब आपका, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका? टोटल करोगे, टोटल करो इनका टोटल, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 24,600, ये कितना आ जाएगा? 24,600, ये कितना आ जाएगा? 15, और ये कितना है? 1500, ये कितना है? 1500, 6 और 1 7, 7600, तो कितना आ जाएगा? 7600, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 8150, ये कितना आ जाएगा आपका? ये 6100 था, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 6 और 2, 8200, 8200, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 8200, यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 6 और 2, 8800, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 8250, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा आपका डिफरेंस? यहाँ तो सेम है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? ये आपका 8150 माइनस करोगे 7600, तो मेरे पास आएगा 550। किसकी वजह से आएगा? ये डेबिट की वजह से आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है हमारे पास क्रेडिट में है 8800, माइनस कितना करोगे? 8250, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर? 550, ठीक है, ये किसकी वजह से आया? ये क्रेडिट की वजह से आया। तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट में कौन आएगा? अनिल। तो क्या लिखोगे एंट्री, क्या पास करोगे आप? अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये कौन है? मोहन, मोहन कैपिटल अकाउंट, कितने से? 550 से, और 550 से, ठीक है, ऐसे आपने एंट्री के अंदर डील करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।